आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के नक्षत्रों की। पंडित जी, सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं? आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के नक्षत्रों के बारे में। सूर्य के नक्षत्र कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, सूर्य के कुल मिलाकर 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा शाढ़ा। ये तीनों नक्षत्र स्वास्थ्य से और धन से संबंध रखते हैं। इन नक्षत्रों का संबंध स्वास्थ्य के मामलों से और धन के मामलों से होता है। इन नक्षत्रों का प्रभाव अगर आपके जीवन पर है तो ये संघर्ष के बाद जीवन में बड़ी ऊंचाई देता है। इसमें भी उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा शाढ़ा नक्षत्र विशेष शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। इनको स्थिर नक्षत्र कहते हैं, शुभ नक्षत्र कहते हैं। और जब आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाएं, अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाए या उत्तरा शाढ़ा नक्षत्र आ जाए तो इसके परिणाम जरूरत से ज्यादा बेहतर होते हैं। सूर्य का पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं और पंडित जी, ये हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है? अब बात करते हैं सूर्य के पहले नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है कृतिका नक्षत्र। देखिए, कृतिका नक्षत्र जो है ये मेष और वृष राशि में आता है। इसका एक हिस्सा मेष राशि में होता है और इसका 3 हिस्सा वृष राशि में होता है। ये जो नक्षत्र है ये अग्नि का नक्षत्र है, फायर का नक्षत्र है और किसी को भी नियंत्रित करने की, नियंत्रण करने की शक्ति रखता है। इस नक्षत्र के लोग, कृतिका नक्षत्र वाले, अच्छे शासक होते हैं और बड़े राजनेता होते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले ऐसा देखा गया है। शुक्र का प्रभाव यहां पर होता है क्योंकि 3 हिस्सा वृषभ राशि भी है, तो कृतिका नक्षत्र हो और वृषभ राशि हो तो लोग बड़े कलाकार हो जाते हैं और बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। इनके अंदर दूसरों को आकर्षित करने की और अद्भुत ग्लैमर की, पॉम्प एंड शो की, दिखावा करने की क्षमता होती है। इनकी कमजोरी ये है कि कृतिका वाले कभी कभी बड़े क्रोधी और बड़े जिद्दी हो जाते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले तरक्की बहुत करते हैं लेकिन कभी कभी इनका क्रोध और इनकी जिद इनको मुश्किल में डाल देती है। कृतिका नक्षत्र वालों के अवैध संबंध की और अपयश होने की संभावना भी जीवन में बन जाती है। कृतिका नक्षत्र वालों को अपने खान पान का और अपने पेट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है तो आप अपने स्वभाव पर, अपनी आदतों पर, अपने खान पान पर और अपने डाइजेशन पर नियंत्रण बनाए रखें। सूर्य का दूसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और पंडित जी, ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है? अब बात करते हैं सूर्य के दूसरे नक्षत्र की, जिसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी।
क्या विशेषताएं हैं इसकी? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दो राशियों के अंतर्गत आता है। इसका पहला हिस्सा सिंह राशि में आता है और बाकी के तीन हिस्से कन्या राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला हिस्सा जीवन में अद्भुत और बड़ी ऊंचाइयां देता है। बाकी के जो तीन हिस्से हैं ये जीवन में बुद्धि और आध्यात्मिकता, ब्रेन और स्पिरिचुअलिटी जीवन में प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो आम तौर पर दूसरों की सहायता करते हैं और जितना संभव होता है जीवन में रिश्तों को निभाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का व्यक्ति दूसरों की सहायता जरूर करता है, कष्ट उठा करके भी दूसरों की मदद कर देता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और बड़ा नाम जीवन में कमा लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की मुश्किल ये है कि कभी कभी ये लोग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। इनके जीवन में आइसोलेशन आ जाता है, अकेले हो जाते हैं और ज्यादा दूसरों की सहायता करने के चक्कर में अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। उदार होना, जेनरस होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में आपका अपना कोई बड़ा नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए। और साथ ही साथ आप जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव पर अगर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य के दो नक्षत्रों के बारे में तो आपने जान लिया। सूर्य का तीसरा नक्षत्र है उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र की क्या क्या खास बातें हैं और पंडित जी ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है? अब बात करते हैं सूर्य के तीसरे नक्षत्र के बारे में जिसका नाम है उत्तराषाढ़ा। क्या विशिष्टताएं हैं इसकी? देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी दो राशियों के अंतर्गत आता है। उत्तराषाढ़ा का पहला हिस्सा, पहला चरण धनु राशि में आता है और बाकी के तीन चरण, बाकी के तीन हिस्से मकर राशि में आते हैं। ये नक्षत्र आध्यात्मिक शक्ति और मुक्ति मोक्ष पाने से जुड़ा हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आध्यात्मिक शक्ति विशेष मात्रा में पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों पर दैवीय कृपा, ईश्वर की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो बड़े गहन ज्ञानी, बड़े गंभीर ज्ञानी होते हैं और बड़ी मेहनत और बड़े लगन वाले होते हैं। इस नक्षत्र के लोग अपने ज्ञान से, अपने लगन से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आम तौर पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग काफी समृद्ध भी होते हैं धन संपत्ति के मामले में और प्रॉस्पेरिटी के मामले में काफी बेहतर रहते हैं। उत्तराषाढ़ा वाले अच्छे प्रशासक, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छे राजनेता भी होते हैं,
ऐसा देखा गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग बुलंद इरादों वाले, मजबूत इच्छा शक्ति वाले और मजबूत नैतिकता वाले होते हैं। मॉरल वैल्यू इनके पास काफी ज्यादा होती है और इनकी कमी ये है, इनकी गड़बड़ी ये है कि इस नक्षत्र में लोग कभी कभी बड़े आलसी हो जाते हैं और उत्तराषाढ़ा वालों को भी अकेलेपन का शिकार होना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले बड़े काम की शुरुआत के बाद अक्सर उसको बीच में छोड़ देते हैं, बड़ा काम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, जिस वजह से इनको असफलता का सामना करना पड़ता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।